विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित आला पदाधिकारी बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं। हालांकि यूपी प्रभारी और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह कोरोना संक्रमित होने के कारण बैठक में शामिल नहीं है। कौन कहां से प्रत्याशी होगा, किसे टिकट दिया जाएगा, इस पर पार्टी के पदाधिकारी मंथन कर रहे हैं। हालांकि कई पदाधिकारी वर्चुअली तरीके से जुड़े हैं। तो यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। सीएम योगी सहित आला पदाधिकारी बीजेपी ऑफिस में मौजूद है। तो यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन चल रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और भी अन्य अधिकारी मौजूद हैं। तो उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ और आला अधिकारी भी मौजूद है। तो यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। तो उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। सीएम योगी सहित आला पदाधिकारी बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं। तो उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन, सीएम योगी सहित आला पदाधिकारी बीजेपी ऑफिस में मौजूद है। तो पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान हो चुका है और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा और इसी को लेकर के आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनिकेत, देखिए यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर सारी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और आज उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी में महामंथन चल रहा है दिल्ली में। क्या कुछ अभी जानकारी, सीएम योगी मौजूद हैं और भी अन्य अधिकारी वहां पर मौजूद हैं? जी देखिए आयुषी, यकीनन तौर पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की, तो अब की बार के चुनावों का जो समीकरण निकल कर सामने आ रहा है बेहद ही रोमांचक होने वाला है। हर राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं पूरे प्रयास में है कि उत्तर प्रदेश सत्ता पर बड़े जनाधिकार के साथ में काबिज हुआ जाए। लेकिन अगर बात की जाए रूलिंग पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों में पिछली बार की तरह से वही चीजें दोहराई जाए। और लेकिन अगर बात की जाए टिकटों के बंटवारे को लेकर, तो यकीनन तौर पर अभी कहीं ना कहीं भीतर खेमे में इस बात को लेकर अभी चर्चाएं चल रही हैं कि किन लोगों का टिकट कटेगा और किनको पार्टी जिम्मेदारी देगी कि उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करके बड़े जनाधिकार के साथ में सत्ता पर काबिज हो। लेकिन अगर बात की जाए टिकट के बंटवारे को लेकर, तो यकीनन तौर पर आयुषी इसको लेकर एक बड़ा मंथन जरूर चल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व का भी दखल देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। डबल इंजन की सरकार यकीनन तौर पर जो फैसले होंगे कि टिकट किसको देना है, किन चेहरों को लड़वाना है, किन पर बीजेपी का भरोसा है, उन वो कौन से मजबूत कंधे होंगे उत्तर प्रदेश में जो 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेंगे और एक बड़ा जनाधिकार को प्राप्त कराएंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में जो 403 विधानसभा चुनावों में जो उतरने वाले प्रत्याशी होंगे बीजेपी, उन पर एक बड़ी चुनौती जरूर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जनता के बीच में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। तो ऐसे में ये एक बड़ा अहम बन जाता है कि किनको जिम्मेदारी दी जाए, किनको टिकट मिले, ताकि जिनके साफ छवि हो, अच्छा चेहरा हो और जनता का जनाधिकार उनको प्राप्त हो पाए, तो उन तमाम मुद्दों को लेकर एक गहन अध्ययन जरूर चल रहा है। कल भी एक बड़ी बैठक राजधानी लखनऊ में देखने को मिली थी और आज फिर से केंद्रीय स्तर पर एक बैठक देखने को मिल रही है। यकीनन तौर पर आयुषी टिकटों को लेकर एक बड़ा मंथन जरूर होगा और जो चेहरे हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होगा भारतीय जनता पार्टी को, उनको ही जिम्मेदारी दी जाएगी कि उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर नेतृत्व करने के साथ एक बड़ा जनाधिकार प्राप्त करा पाए। जी यानी कि देखिए प्रत्याशियों का जो चेहरा होता है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और यूपी चुनाव हो और जातीय समीकरण ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से।
देखिए आयुषी, अगर बात किया जाति समीकरण की, तो उत्तर प्रदेश में आज नहीं बल्कि एक लंबे दशक से उत्तर प्रदेश में चुनाव जाति समीकरण पर होता आया है। फिर वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो या फिर दूसरे दलों की बात हो, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले या कांग्रेस हो या बहुजन समाजवादी की पार्टी बात करें, उत्तर प्रदेश में लंबे दशक से जाति समीकरण को साधने का हर राजनीतिक दल ये प्रयास करता रहा है। और यकीन तौर पर अब की बार भी जाति समीकरण एक बेहद रोमांचित फैक्टर होने वाला है, क्योंकि एक तरफ ब्राह्मण वर्ग है, दूसरी तरफ दलित समुदाय है, तो ऐसे लोगों को लगातार जो दो खेमे में जो बटा हुआ जो ग्रुप है उसको लेकर क्या निर्णायक फैसले में क्या नीति तैयार की जाएगी, कौन से ऐसे चेहरे होंगे, किन सीटों पर क्या वोट प्रतिशत है और वहां पर किस प्रत्याशी को लड़ाना है, इन तमाम चीजों को लेकर एक गहन अध्ययन, एक गहन मंथन भारतीय जनता पार्टी तरफ से बड़े पदाधिकारी साहब में किया जा रहा है। यकीन तौर पर जिम्मेदारी बड़ी है और 403 विधानसभा सीटों पर बड़े निर्णायक जीत कर पाना भी एक बड़ी चुनौती होगा भारतीय जनता पार्टी की। आपकी बात यकीन तौर पर विपक्ष की पूरी तैयारी के साथ में उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतर रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है। तो यकीन तौर पर जो चेहरे होंगे वो बेहद भरोसेमंद होंगे, ताकि जो चुनाव जो होने वाले हैं उनमें बड़े बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा काबिज हो पाए, यकीन तौर पर मंथन हो रहा है और किनको चुना जाएगा, किनको जिम्मेदारी दी जाएगी, ये एक बेहद देखने वाली बात होगी। जी आयुषी, शुक्रिया निकेत तमाम जानकारी साझा करने के लिए।